हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं कुछ अलग लेकर आया हूँ आपके लिए, एक रेट्रो गेमिंग कंसोल सूप गेम बॉक्स, जो कि बहुत ही सस्ता कंसोल है जिसमें आपको 400 गेम्स मिलेंगी खेलने के लिए। दोस्तों, बाजार में बहुत ही तरह के गेमिंग कंसोल मिलते हैं, PS5 जैसी हाई लेवल गेम्स चल रही हैं, लेकिन इसकी जो गेम्स हैं उनकी कुछ अलग ही फील है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पुराने समय का नॉस्टैल्जिया फील लेना चाहते हैं, जो फैंस हैं पुरानी गेम्स के, मारियो जैसी गेम्स की। और इसके अलावा आप इसे बच्चों के लिए खरीद सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया और इजीली यूज करने वाला एक गेमिंग कंसोल है। चलिए आज हम इसे अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसका बॉक्स। ये इसका बॉक्स है, ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव आइटम नहीं है, ये सिंपल सा इसका ये बॉक्स आता है। इसके सामने की ओर ये सूप गेम बॉक्स 400 in 1। तो बॉक्स को ओपन करते हैं और अपना गेमिंग कंसोल बाहर निकालते हैं। तो ये रहा हमारा गेमिंग कंसोल जो है सूप गेम बॉक्स, और इसके साथ ये यूज़र मैनुअल, ये इसकी बैटरी है, और ये एक AV केबल जिससे हम इसे अपने TV पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये AV वायर काफ़ी छोटी है, मेरे हिसाब से काफ़ी छोटी है, तो इतना इसका कोई फ़ायदा होने वाला मुझे दिख नहीं रहा। और ये इसकी जो जिससे हम इसे चार्ज करेंगे, चार्जिंग केबल। तो चलिए हम अपना गेमिंग कंसोल देखते हैं। तो ये रहा हमारा गेमिंग कंसोल जो है सूप गेम बॉक्स, बहुत ही ठीक ठाक सी क्वालिटी है, इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं है, अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी है। तो ये इसके ऊपर की साइड जहाँ पर हम TV से कनेक्ट करने के लिए AV केबल लगाएंगे, जहाँ पर इसका चार्जर, और ये इसका पावर के लिए बटन है जिससे हम इसे ऑन करेंगे। तो ये है इसकी बैटरी जो हम इसमें लगाएंगे, और इसे ऑन करके देखते हैं। ओके, तो जहाँ से करते हैं इसे ऑन, ये आ गई हमारी स्क्रीन, और इसमें पहले लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, तो चाइनीज़ और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज हैं, आप इंग्लिश पर सेलेक्ट कर लें। और ये आ गई हैं इसकी गेम्स, जो इसमें बहुत सारी, मतलब इसमें बहुत सारी गेम्स हैं, जो भी रेट्रो गेम्स थी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया गेम्स थी उस समय की, तकरीबन सभी आपको इसमें मिलेंगी, जैसे कि ये मारियो पहले नंबर पर थी, मारियो कॉन्ट्रा वगैरह, एडवेंचर आइलैंड, बहुत सारी, जैसे कि ये आप देख ही रहे हैं बहुत सारी इसमें गेम्स हैं। तो चलिए हम मारियो प्ले करके देखते हैं, ये सुपर मारियो, और इससे साइड में वॉल्यूम भी कम कर सकते हैं इससे साइड से। ओके, तो इसकी जो क्वालिटी है मतलब ठीक है, जैसे इसके जो बटन्स हैं ये इतने अच्छी तरह से प्रेस नहीं होते बस। तो चलिए इसे हम अपने TV से कनेक्ट करके देखते हैं। तो TV से कनेक्ट करने के लिए पहले तो हमारे पास ये जो वायर हमें साथ में मिली है, मुझे बहुत ही ये छोटी लग रही है, क्योंकि हमारा TV वॉल पर माउंट किया हुआ है, तो बिल्कुल आपको उसके पास ही बैठना पड़ेगा। अगर आपने अपना TV टेबल पर रखा हुआ है उसके लिए तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपका TV आपकी सिटिंग वाली जगह से थोड़ा दूर है तो आपको दिक्कत आएगी। चलिए इसे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं TV से कनेक्ट करके। ओके, तो जे हम खेल रहे हैं मारियो अपने TV पर इसे कनेक्ट करके, और मैं इसे बिल्कुल अपने TV के पास रख कर ऐसे हाथ को प्ले कर रहा हूँ, मतलब इस वायर की वजह से मैं इसे हाथ में लेकर बैठ भी नहीं सकता, मुझे इसे बिल्कुल अपने TV के पास रख कर ऐसे प्ले करना पड़ रहा है। तो अगर आपको जे इसकी वायर बड़ी मिल जाती है कहीं से तो आप वो यूज़ कर सकते हैं जो साथ में आती है, ये तो बेकार है। TV पर जो आपका TV है, TV पर डिपेंड करता है, अगर आप इसके 50 inch स्क्रीन पर देख रहे हैं तो कोई इसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आने वाला है। इसकी जो स्क्रीन है ना, गेमिंग कंसोल की जो स्क्रीन है, वो उसी पर ही ठीक लगेंगी आपको ये गेम्स, जहाँ आपका कोई छोटा TV है उस पर एक्सपीरियंस अच्छा आ सकता है, लेकिन जो बड़े TV हैं, जितनी स्क्रीन बड़ी होगी उतनी क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं आएगी, जैसे कि ये चल रहा है आपके सामने तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही। और इसकी जो बैटरी की बात करूं तो बैटरी अगर आप लगातार खेलेंगे तो आधे घंटे का एक बैकअप मिलता है आपको बैटरी का। तो ये जो कंसोल है, आप 5 से 6 साल का जो बच्चा है आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं, 9-10 साल के जो बच्चे हैं शायद उन्हें ये गेमिंग कंसोल ना पसंद आए, क्योंकि इसकी जो गेम्स की क्वालिटी है वो आज की जो ग्राफिकल गेम्स आती हैं जो फोन्स में आती हैं उनके मुकाबले की नहीं है। तो जो आजकल के स्मार्ट किड्स हैं उनको तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली, जहाँ उन लोगों के लिए बढ़िया है जो रेट्रो गेमिंग करना पसंद करते हैं। बाकी अपने अपने पर डिपेंड है, अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरे लिए तो ये बहुत ही बढ़िया गेमिंग कंसोल है क्योंकि इससे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। तो PS5 से बेस्ट गेमिंग कंसोल है मेरे लिए। तो अगर आप इसे बाय
करना चाहते हो तो ये मैंने बाय किया है 600 रुपये में फ्लिपकार्ट से, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंसोल है, बहुत ही अच्छे प्राइस पर है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैं आपको मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।